तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले गदर 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में, जो कि 27वां दिन गदर 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर टोटल कितना कलेक्शन कर लिए और 27वां दिन बॉक्स ऑफिस पर इंडिया नेट कलेक्शन कितना कर लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते दोस्तों। मैं आप सबको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर दे। सबसे पहले बात सनी देओल की फिल्म दोस्तों गदर 2 सबसे जल्दी 400 करोड़ रुपए क्लब में शामिल हो गई थी। तेजी से मामले में आपको 500 करोड़ रुपए सिर्फ 24 दिनों दोस्तों अंदर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ली थी। सिर्फ 24 दिन के अंदर ही दोस्तों 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर ली। मैं आपको बता दूं, बाहुबली 2 और पठान को भी दोस्तों पीछा करने वाले हमारा सनी पाजी फिल्म ने 26वें दिन, मैं आपको बता दूं टोटल कलेक्शन हो जाता है 26वें दिन मिलाकर दोस्तों 506.17 करोड़ रुपये, जो कि अच्छा खासा कलेक्शन कर लेते। लेकिन अब कमाई नहीं करने वाला है हमारा सनी पाजी का मूवी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ दोस्तों, क्योंकि जवान मूवी 7 सितंबर को लॉन्च हो चुका है। आज 7 सितंबर है दोस्तों, और 7 सितंबर को जवान मूवी रिलीज हो चुका है, लेकिन उसके कारण दोस्तों हमारा सनी पाजी का मूवी गदर 2 मूवी की कमाई नहीं होगा उतना दोस्तों। जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोस्तों, बताए 2.40 करोड़ रुपये, 2.50 करोड़ रुपये ऐसे ऐसे तो कमाई करें। जिस तरह से शुरुआती समय हमारा सनी पाजी कमाई करते थे, उस तरह से अभी दोस्तों कमाई नहीं करें। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, गदर 2 मूवी ओपनिंग के डे 40.1 करोड़ रुपये कमाई की थी दोस्तों। वही 13 अगस्त के दिन 51 करोड़ रुपये कमाई की थी। वही सबसे कमाई की थी 15 अगस्त के दिन 55 करोड़ रुपये का हमारा सनी पाजी कमाई की थी दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं 27वें दिन दोस्तों गदर 2 मूवी टोटल कितना कलेक्शन कर लिया, जो कि मैं आपको बता दूँ 2.80 करोड़ रुपये, जो कि मैं आपको बता दूँ 2.80 करोड़ रुपये गदर 2 मूवी ने 27वें दिन कलेक्शन किया दोस्तों। टोटल मिलाकर हो जाता 27 दिनों का दोस्तों 508.97 करोड़ रुपये। वही दोस्तों पठान मूवी का दोस्तों 543 करोड़ रुपये, वही बाहुबली 2 मूवी का दोस्तों 510 करोड़ रुपये, और हमारा सनी पाजी का टोटल कलेक्शन हो जाता है 27 दिन के मिलाकर दोस्तों, मैं आपको बता दूं 508.97 करोड़ रुपये, जो कि अब लग रहे पठान मूवी दोस्तों, मतलब पठान मूवी का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन बाहुबली 2 मूवी का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि बाहुबली 2 मूवी का दोस्तों कल रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 27 दिन के अंदर ही दोस्तों 508.97 करोड़ रुपये टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। मतलब कि टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 508.97 करोड़ टोटल कर लेते हैं। बाहुबली 2 मूवी का 510 करोड़ रुपये है लगभग दोस्तों, आसान तरीके से टूट जाएगा बाहुबली 2 मूवी का। वही दोस्तों सनी पाजी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है, मैं आपको बात वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लेता है, मतलब लगभग 700 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन, मतलब वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में दोस्तों 700 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन कर लेता है लगभग दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा सनी पाजी का अच्छा खासा कलेक्शन रहा है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बात सिनेमा घर में 11 अगस्त को रिलीज किया गया था, लेकिन OMG 2 मूवी को दोस्तों सनी पाजी के साथ सिनेमा घर में रिलीज किया गया था, लेकिन हमारा OMG 2 मूवी अच्छा खासा कमाई नहीं किया, जो कि मैं आपको बता दूँ गदर 2 मूवी ब्लॉक बूस्टर हो चुकी है दोस्तों। गदर 2 मूवी ब्लॉक बूस्टर हो चुकी है, और आने वाला समय में देखते हैं जवान मूवी दोस्तों हमारा सनी पाजी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, आने वाला समय में मालूम चलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आज 7 सितंबर है, 7 सितंबर को जवान मूवी रिलीज किया गया, आज ही दोस्तों मालूम चल जाएगा। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जवान मूवी दोस्तों अच्छा खासा कलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस बुकिंग अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पठान मूवी को दोस्तों हमारा सनी पाजी रिकॉर्ड तोड़ने वाले, लेकिन पठान मूवी दोस्तों 28 दिन के अंदर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 28 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपये आंकड़ा पार किया था, वही हमारा सनी पाजी सिर्फ 25 दिन के ही अंदर दोस्तों 500 करोड़ आंकड़ा पार किया था दोस्तों। 25 दिन में ही दोस्तों 500 आंकड़ा पार कर लिया था, वही पठान मूवी दोस्तों मैं आपको बता दूँ सिर्फ 28 दिन में 500 करोड़ आंकड़ा पार किया था। वही बाहुबली 2 मूवी मैं आपको बता दूँ, बाहुबली 2 मूवी दोस्तों 34 दिन में दोस्तों 500 करोड़ आंकड़ा पार किया था। अभी भी हमारा सनी पाजी दोस्तों आगे, अभी भी हमारा सनी पाजी दोनों मूवी से आगे, और देखते हैं जवान मूवी से दोस्तों आगे ही कि नहीं रहते हैं, आगे चलकर पता चलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, सिर्फ सनी पाजी दोस्तों सिर्फ 25 दिन के अंदर दोस्तों 500 आंकड़ा पार किया था। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट भी मिलता हूँ, 27 दिन का टोटल कलेक्शन मिलाकर हो जाता है सनी पाजी का दोस्तों 508.97 करोड़ रुपये, 508.97 करोड़ रुपये सनी पाजी का टोटल कलेक्शन हो जाता है, जो कि अच्छा खासा कलेक्शन कर लेता है सनी पाजी। वही दोस्तों मैं आपको बात 27वां दिन 2.80 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन किया है सनी पाजी का दर 2 मूवी। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट मिलता हूँ, इतने बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।